वेलकम टू कार्ब अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। और चैप्टर का नाम रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर आगे भी आप लोगों को बहुत ही यूज है, इसलिए क्लास 8 में रेशनल नंबर को अच्छे से पढ़ना होगा। 9th 10th में भी यूज है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को आगे 9th 10th में प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। क्वेश्चन 1 है, यूजिंग एप्रोसिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करके इनको फाइंड करना है। ओके, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हुए हैं, सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जब एग्जाम में भी ऐसा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको सॉल्व करने में लग जाते हैं। नहीं, यहाँ लिख दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, जो गिवन रहता है ना उसको पहले राइट कर लेंगे। क्या है, -2/3 -3/5 +5/2 -3/5 -1/6 है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि तीन टर्म है। टर्म क्या होता है, जैसे जब बीच में प्लस लगता है और माइनस लगता है तो टर्म को अलग अलग कन्वर्ट कर देता है, उसको बांट देता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक वन टर्म, और ये दूसरा टर्म, और ये थर्ड टर्म, तीन टर्म में इसको बांटा गया है। अब टर्म कैसे बांटने के लिए सीखेंगे आप लोग, समझेंगे। तो बीच में प्लस या माइनस लग जाए तो समझ जाओ कि वो अलग अलग टर्म बांट रहा है। जैसे यहाँ पर प्लस लगा, ये अलग टर्म, जैसे माइनस लगा, ये अलग टर्म, तो तीन टर्म मिल रहा है, तीन टर्म में क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको सर यहाँ पर तो मल्टीपल है, ये भी तो साइन है, तो ये भी अलग अलग टर्म बांट सकता है, लेकिन नहीं बांटेगा। मल्टीपल और डिवाइड का टर्म बांटने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस को दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखो, एक टर्म, ये दो टर्म, और ये तीन टर्म में बांटा गया है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इसे फाइंड करना है, इसका प्रॉपर्टी लगा करके। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगा करके बनेगा, तो देखो यहाँ पर देखो कि 3/5 इसमें और 3/5 इसमें, दोनों में क्या है, 3/5 है, इसको हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने वाला प्रॉपर्टीज कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। कैसे, तो देखो a इंटू बी प्लस सी, ये कहता है कि a को एक बार b के साथ और प्लस a को एक बार c के साथ, यानी a दोनों जगह कॉमन है ना, तो कॉमन ले लिया जाता है और ये हो जाता है b और यहाँ बच जाता है c। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, वही रूल यहाँ भी लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको और इनको दोनों को साथ में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 3/5 कॉमन है। लिख लो, हो जाएगा -2/3 -3/5, और ये माइनस है ना, तो माइनस 3/5 -1/6, और ये 5/2 बच गया, इसको एंड में लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या कॉमन है, 3/5 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे 3/5, क्या बच जाएगा, -2/3 बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस तो बचेगा, 1/6 बच गया, और ये +5/2। अब कोई आपसे पूछ दे कि आपने कैसे किया, आप कहोगे कि यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज किए हैं इसलिए। ओके, अब चलो इसको सॉल्व कर लो। पहले जो ब्रैकेट है ना उसको सॉल्व किया जाता है, ये नहीं कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, नहीं, जब भी ब्रैकेट है ना सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ये 3/5 है तो 3/5, अरे देखो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 2 से और -2 से करेंगे -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6 से, वो 6 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब +5/2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3/5, और ये -4 और -1, ये हो जाएगा -5/6 +5/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी मल्टीपल में है तो 3/5 -5/6 और +5/2,
अब क्या हो जाएगा, देखो थ्री टू जा सिक्स कट गया, और फाइव को फाइव से करेंगे तो वन, और माइनस है ना, तो ऊपर में आपका बच गया माइनस वन, और नीचे टू, और प्लस फाइव बाई टू। अब क्या करेंगे, टू और टू का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, टू हो जाएगा, टू के टू से डिवाइड करेंगे, वन टाइम्स वन से और माइनस वन से करेंगे माइनस वन, प्लस टू को टू से डिवाइड करेंगे वन, वन से और फाइव से करेंगे फाइव हो जाएगा, फाइव में से माइनस वन जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर, क्या हो जाएगा फोर, और नीचे टू, इसको डिवाइड कर देंगे टू टाइम्स, यानी आंसर जो होगा आपका टू होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात है। तो क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन टू भी हम पहले से लिख करके रेडी रखे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का दो क्वेश्चन है, तो इनको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे, जो गिवन रहता है ना उसको लिख लो, टू बाई थ्री इंटू माइनस थ्री बाई सेवन माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू प्लस वन बाई फोर्टीन इंटू टू बाई फाइव। ओके, अब क्या करेंगे, वही जो कमन जो मिलेगा उसको एक साथ रखेंगे। ये देखो यहाँ से वन टर्म्स, यहाँ से एक टू टर्म्स, और यहाँ से इसमें भी थ्री टर्म्स मिल रहा है, तो टू बाई थ्री, और टू बाई थ्री कहीं है, नहीं है, हाँ है टू बाई थ्री शायद कहीं है, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखे है ना, क्वेश्चन तो सही लिखे हुए हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टू बाई थ्री नहीं है बल्कि टू बाई फाइव है यार, ठीक है, मिस्टेक से क्वेश्चन गलती हो गया, यहाँ पर टू बाई फाइव है, क्या है, यहाँ पर फाइव है। ओके, टू बाई फाइव है, तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है तो फिर आगे भी सारे मिस्टेक ही हो जाते हैं, इसलिए ध्यान देना होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ भी टू बाई फाइव ही कर लो, नहीं तो आगे गलत हो जाएगा, ठीक है, टू बाई फाइव, और यहाँ भी टू बाई फाइव, तो ये दोनों में कॉमन है टू बाई फाइव और ये टू बाई फाइव, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले टू बाई फाइव को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, नहीं टू बाई फाइव को कॉमन नहीं लेंगे, पहले एक साथ लिखेंगे ना इनको और इनको एक साथ लिखेंगे, तो टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन। देखो जब भी क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो फिर बनाने बनाएंगे और आंसर कुछ अलग आ जाता है, आपको अगर सर आंसर गलत आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत है, तो क्वेश्चन को सही से आप लोग भी देखना लिखना सीखो, ठीक है, एग्जाम में जब भी एग्जाम में आप लोग का हो, और वहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर में कुछ और है और कॉपी में कुछ और लिख लोगे तो आंसर ही कुछ और आ जाएगा, इसलिए ध्यान देना होता है, क्वेश्चन मेन है, ठीक है, क्वेश्चन सही उतारना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो टू बाई फाइव हमने लिख लिया, और ये टू बाई फाइव बोला किसके साथ लिखे, क्योंकि कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन मिल रहा है टू बाई फाइव, तो हमने क्या किया इन दोनों को साथ में लिख लिया, जो बच गया वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लगाएंगे, यहाँ भी टू बाई फाइव, यहाँ भी टू बाई फाइव, दोनों में कॉमन है ना, तो ले लो मेरे दोस्त कॉमन, यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस थ्री बाई सेवन और प्लस वन बाई फोर्टीन। ओके, और यहाँ से क्या बच जाएगा वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू। ओके, अब क्या करेंगे, ये टू बाई फाइव ब्रैकेट का काम करेंगे, सेवन और फोर्टीन का एलसीएम फोर्टीन, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना, कि जो यूज हो रहा है, जैसे कॉमन लिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लाना, लिखेंगे यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ला भी लिख सकते हो, ला और प्रॉपर्टीज एक ही चीज़ होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो सेवन और फोर्टीन का एलसीएम फोर्टीन, इसको डिवाइड करेंगे टू टाइम्स टू से और माइनस थ्री से करेंगे माइनस सिक्स, प्लस इसको डिवाइड करेंगे वन टाइम्स वन से और वन से करेंगे ये हो जाएगा वन, माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा टू बाई फाइव इंटू माइनस सिक्स और वन, ये हो जाएगा माइनस फाइव, ब्रैकेट हटा देंगे फोर्टीन, माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू, यहाँ से डिवाइड करो तो टू सेवन जा फोर्टीन, फाइव से और फाइव से करेंगे तो वन टाइम्स में, ये देखो थ्री टू जा सिक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो ऊपर में माइनस वन और नीचे सेवन, और माइनस ऊपर वन और ये टू टू जा फोर हो गया। ओके, अब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, सेवन और फोर्टीन का एलसीएम, सेवन और फोर का एलसीएम ट्वेंटी एट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे फोर टाइम्स फोर से और माइनस वन से करेंगे ये हो जाएगा माइनस फोर, माइनस इसको डिवाइड करेंगे सेवन टाइम्स सेवन से और वन से करेंगे सेवन, इनको ऐड कर दो
माइनस फोर और माइनस सेवन क्या हो जाएगा, सेवन फोर इलेवन, और माइनस ग्रेटर का साइन है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, अब बाई 28, ये हो जाएगा आपका सेकेंड का आंसर। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर A1 था ना, अब 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, पहले बुक लाते हैं, क्वेश्चन 2 एक बार रीड करिए। बोला है कि राइट द एडिटेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिटेटिव इनवर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा आपको समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम तो क्वेश्चन पहले से लिख करके रेडी रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझाने के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाना होगा कि एडिटेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, और इसे लिख भी लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको कभी भी काम दे, कि वी नो डैट, इसे याद रखिएगा जो लिख रहे हैं अभी। ठीक है, बोल देंगे तो हो जाएगा कि लिख दें, चलो लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। वी नो डैट एडिटेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर a by b each माइनस a by b होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपको एडिटेटिव इन्वर्स किसी भी रेशनल नंबर का निकालना होगा, यदि वो a by b हो तो उसका जो रिजल्ट होगा माइनस में हो जाएगा, और यदि वो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्रूव करने के लिए इसका जो रिजल्ट होता है लिखेंगे सच डैट, जिसका क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन होगा और जो इसका रिजल्ट आएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा हमेशा हमेशा 0 होना चाहिए। अब समझिएगा थोड़ी बातें, जब भी आपको एडिटेटिव इनवर्स बताना हो, जिसका बताना हो और जिसका रिजल्ट निकाल दोगे एडिटेटिव इनवर्स, दोनों को जब ऐड करोगे तो उसका आंसर 0 होगा। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे उसके बाद आपको थ्योरी भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2/8 का एडिटेटिव इन्वर्स बताइए। तो देखिए, 2/8 का एडिटेटिव इन्वर्स हो जाएगा, 2/8 का एडिटेटिव इन्वर्स ऑफ 2/8। जैसे ये 2/8 का क्या पूछा जा रहा है, एडिटेटिव इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा, ये -2/8 होगा। अब आपको सर कैसे, तो देखो, किसी भी रेशनल नंबर का एडिटेटिव इन्वर्स बताना हो, जो दिया होगा ना वो माइनस में हो जाएगा, यदि प्लस में दिया है तो माइनस में, और यदि माइनस में दिया रहता वो प्लस में हो जाता। बात को समझ गए, एडिटेटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो गिवेन हो ना, यदि प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में हो प्लस में। जैसे देखो, ये 2/8 का एडिटेटिव इन्वर्स बताना था, प्लस में था ना, वो क्या हो गया, माइनस में। अभी आप सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, सेकेंड क्वेश्चन है कि -5/9, इसका एडिटेटिव इन्वर्स बताना है। ठीक है, एडिटेटिव इन्वर्स ऑफ -5/9, ये क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। मतलब माइनस में हुआ था प्लस, प्लस में हुआ था माइनस। आपको जो यहाँ पर सच डेट बताए हैं चेक करने के लिए, तो देखो, जिसका भी एडिटेटिव इन्वर्स निकाल रहे हो तो ये 2/8 है, और जो इसका आंसर आएगा इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो, 2/8 और -2/8, जब इसको करोगे वो 0 ही आएगा। ठीक है, बात को समझ गए ना, ये होता है एडिटेटिव इन्वर्स। जिसका भी एडिटेटिव इन्वर्स निकालना होगा, प्लस में होगा माइनस में, माइनस में होगा प्लस में, ये है सिंपल मेथड। ठीक है, ये तो आपको बता रहे हैं इसलिए कि आपको अच्छे से पता चल जाए थ्योरी। ठीक है, तो थर्ड देखो, थर्ड है -6/-5, इसका निकालना है ना। ये देखो, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6/5, दोनों माइनस माइनस था तो प्लस कर दिए, यानी ये 6/5 हो गया, यानी 6/5 का एडिटेटिव इन्वर्स बताना है। तो क्या लिखेंगे,
एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 प्लस है ना, क्या हो जाएगा, माइनस में सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है इसका, फोर्थ देखो 2/-9 है, 2/-9 है। अब ये क्या हो जाएगा, 2/-9 का हो जाएगा, लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9, माइनस में है ना, बस प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहता माइनस में हो जाता। ठीक है, इसका पांचवी देखो, 5 नंबर 19/-6 है, ये भी क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इजकल टू हो जाएगा 90/6। ये आपका आंसर, आप इसका आंसर भी मैच करा सकते हो। ठीक है, आइए आपको आंसर भी दिखा देते हैं, आंसर इधर होगा, देखो दिख रहा है ना, सबका आंसर आया हुआ, मैच किया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है, वेरीफाई डेट --x इजकल टू x4, यानी इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए। चलिए पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हुए हैं, ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, x इजकल टू 11/15। ओके, तो इसको वेरीफाई करना है इस कंडीशन पर, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसको पुट करेंगे, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुटिंग पुटिंग एक्स इजकल टू 11/15, 11/15 इन कहाँ पर, इस कंडीशन में, तो क्या है कंडीशन, --x इजकल टू एक्स है। ओके, तो जहाँ जहाँ एक्स है इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट, माइनस है तो माइनस, एक्स एक्स का वैल्यू है 11/15 इजकल टू, एक्स है एक्स का वैल्यू है 11/15। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 11/15, और ये हो गया 11/15। ओके, ये देखो दोनों क्या हो गए इक्वल, तो लिखेंगे एल एच एस इजकल टू आर एच एस, दोनों इक्वल हो गए, हैंस हैंस वेरीफाइड लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, प्रूफ नहीं वेरीफाइड कहा है करने के लिए ना, हमने वेरीफाई कर दिया। अब सेकेंड है एक्स इजकल टू -13/17, सेकेंड क्वेश्चन एक्स इजकल टू -13/17। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इजकल टू -13/17। ओके, कहाँ पर, किस कंडीशन में, तो इन --x इजकल टू एक्स में। ओके, तो माइनस है तो पहले तो माइनस, अगेन माइनस है तो माइनस, एक्स का वैल्यू क्या है, -13/17। ओके, इजकल टू एक्स का वैल्यू क्या है, -13/17। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यानी 13/17 इजकल टू -13/17, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो लिखेंगे कि एल एच एस इजकल टू आर एच एस, यानी हैंस हैंस वेरीफाइड। ओके, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन 4 है ये, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपने एडिटेटिव इनवर्स बताया ना, उसी कंडीशन उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, लेकिन रूल अलग अलग है, ऐसा नहीं कि रूल एक ही है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन पहले से लिख करके रेडी रखे हुए हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं।
अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जैसे एडिटेटिव इन्वर्स के लिए बताए थे, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी रूल पहले आपको पढ़ा देते हैं, ओके, ताकि हमेशा याद रहे। वी नो डैट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ए इज 1/a, और इसका प्रूफ यानी सच डैट ए इंटू 1/a इजकल टू 1। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा ना, और क्वेश्चन और उसका आंसर को जब मल्टीपल करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 होना चाहिए। यानी किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपको निकालना होगा, कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो रहेगा उसका उल्टा हो जाता है, रिसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे ए है 1/a हो जाएगा, हम 2 देते 1/2 हो जाता है, 3/2 देते 2/3 हो जाएगा। जैसे हम अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 1 है, -13 का बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ओके। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे जैसे आपने एडिटेटिव इन्वर्स बताया था उसी तरह इसको भी लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इजकल टू, ये हो जाएगा 1/13, ओके। क्या हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा। कैसे हुआ अभी आपको पता नहीं चलेगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन बना देंगे आपको पता चल जाएगा। -13/19 को निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19। तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी डिनोमिनेटर नीचे नोमिनेटर ऊपर, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, 19/13 हो जाएगा। कहें है ना कि जब ए रहेगा तो 1/a, यदि इसी को 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है, रिसिप्रोकल हो जाता है। रिसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जैसे -13 था ना, -13 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ओके। और थर्ड देखो, थर्ड देखो, जैसे मान लो 4/5 का कहा जाए, तो 4/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बात सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर के 1/5, इसका देखना, इसका क्या बताओगे बोलो तो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, 1/5 है तो 5/1, अब 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। फोर देखो, 4 है -5/8 इंटू -3/7 है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, तो -5 और -3 से करेंगे तो हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 7 और से करेंगे 56, यानी 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56, क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 56/15 हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। पाँच यानी 5 नंबर, 5वीं, -1 × -2/5 ये दिया हुआ है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, -1 और -2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 इसका निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5, क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल गया। और लास्ट है 6 नंबर, -1, ये क्या होगा, इसका होगा
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-1 आंसर। ठीक है, इसका आंसर मिलाना चाहते हो, आओ मिलवा देते हैं। ठीक है, देखो -1 है, तो अब ऐसा मत कहना कि सर -1 का -1 ही होता है, बिल्कुल होता है, आपको समझाया था, इसीलिए हमने आंसर भी दिखाया आप लोगों को कि जो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमने लिखा 1/-1। तो यदि हम 1 में -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा। तो आप -1 भी लिख सकते हो या 1/-1 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों इक्वल होता है। ऐसे भी दिख रहा है कि 1 में -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ इस जो नीचे दिया गया है इसमें बताना है कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया मल्टीप्लीकेशन का, जो आप लोग पढ़े हो ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, ये सब जो होता है कौन कौन यूज किया गया है ये बताना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लिखे हैं इसी पेज पर। ठीक है, ये देखो हमने 5 भी यहीं पर लिखे हुए हैं, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। दिख रहे हैं कि -4/5 इंटू 1 यहाँ भी है, फिर 1 × -4/5, जब इसको दोनों को रिजल्ट करेंगे तो -4/5 ही आएगा, यानी दोनों में 1 1 से हो रहा है, यानी कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, पढ़े थे ना, तो लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 1। ठीक है, तो ये होता है जिस नंबर में 1 1 से मल्टीपल हो और उसका रिजल्ट उन 1 से मल्टीपल करने के इक्वल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 1। ठीक है, अब ये देखो -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17 है। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं इसको लेट करते हैं ए और इसको बी, इसको बी और इसको ए, अब क्या पढ़ रहे हो, ए इंटू बी इजक्वल टू बी इंटू ए, क्या किसका होता है, कमोटेटिव होता है ना, तो लिख देंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख दो, इतना ही अच्छा है। ओके, अब ये देखो तो -19/29 इंटू -19 इजक्वल टू 1, यानी अभी जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा वही तो है, जिसका रिजल्ट 1 हो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, 6 देखो, 6 है -6/13 बाई द रिसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब यहाँ देखो रिसिप्रोकल एक वर्ड आया, रिसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे को क्या है बोलते हैं, रेसिप्रोकल या इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वही सेम चीज़ है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसका हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेंगे, एग्जाम में जब भी आते हैं यहाँ पर सोल्यूशन लिखना नहीं भूलिएगा, पहले इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, 16 चल जाएगा ऊपर और 7 चल जाएगा नीचे। ठीक है, तो माइनस को नीचे लिखो और चाहे ऊपर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, इसके साथ इसका रेसिप्रोकल तो आ गया, अब जैसे रेसिप्रोकल है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 इंटू 16/-7, 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, माइनस है तो माइनस, तो
96 बाई माइनस 91 लिखो, या लिख सकते हो माइनस 96 बाई 91, यानी माइनस डिवाइड में ऊपर है चाहे नीचे है, बात एक ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, सेवन देखो, कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंपुट, यानी यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी अलाउ कर रहा है, यूज हो रहा है। देखो तो मान लो इसको लेट कर लो, ए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि बी और सी को ब्रैकेट में रखा गया है, यहाँ पर ए और बी को रखा गया है, सी को बाहर, यानी कौन सा प्रॉपर्टी होता है। ऐसे ही दिख गया कि कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, तो क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेंगे, बाई यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कौन सा ए, सॉरी ए इंटू बी इंटू सी इजकल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है ना कि बी और सी को ब्रैकेट में, उसके बाद ए और बी को ब्रैकेट में। तो यहीं देखो सेम चीज़ किया गया, ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ओके, याद था ना, पलक नहीं था, याद तो होगा ही आप लोगों को, सेवन में पढ़ाए थे आप लोगों को, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ भी याद कर लो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है ए इंटू बी और सी को ब्रैकेट में, ए और बी को ब्रैकेट में एक बार, सी को बाहर, हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन तक कंप्लीट कर लिए, एट देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना होगा। ठीक है, एट और नाइन दोनों एक ही हैं। इज एट बाई नाइन द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन इंटीजर वन बाई एट, वाई और वाई नॉट। ये बोल रहा है कि क्या माइनस वन इंटीजर वन बाई एट का ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है एट बाई नाइन, तो कैसे है, वाई यानी क्यों और क्यों नहीं, आपको ये बताना है। तो क्यों है और क्यों नहीं है, हम इसको प्रूव भी कर देंगे, सबसे अच्छी बात है, इसको दिखा देते हैं कि भाई तू होगा कि नहीं होगा। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको हम पहले 4-5 में पढ़ाए थे ना, जहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताए थे। क्या बताए थे कि सिंस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर जब ए रहता था तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का वन बाई ए, इज मतलब इक्वल होता है, जब ए रेशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन बाई ए होता है। और आपको ये भी बताया गया था कि सच डैट यदि यानी इफ ए इंटू ए इंटू वन बाई ए का रिजल्ट वन होना चाहिए, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का रिजल्ट वन होना चाहिए, रिजल्ट और क्वेश्चन के मल्टीपल करने पर वन आना चाहिए। ये भी बताए थे, टू रहेगा तो वन बाई टू हो जाता, थ्री रहता तो वन बाई थ्री हो जाता, टू बाई थ्री रहता तो थ्री बाई टू हो जाता, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये कहता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है क्या इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एट बाई नाइन होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों नहीं, तो वहीं चेक करने हम जा रहे हैं। तो लिखेंगे देयरफोर एट बाई नाइन और इनको मल्टीपल कर देंगे माइनस वन इंटीजर वन बाई एट को, जब इन दोनों को पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए होगा कि नहीं होगा, जब इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो वन आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, नहीं होगा तो नहीं है, तो वहीं चेक करने हम जा रहे हैं। तो इसको हल करो यानी सॉल्व करोगे तो एट बाई नाइन इंटू एट और माइनस वन से करेंगे माइनस एट और वन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस नाइन हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एट और माइनस वन को मल्टीपल करते हैं तो माइनस एट हुआ फ्रैक्शन तोड़ते समय, और माइनस एट वन जोड़ेंगे तो माइनस सेवन लिख देंगे, नहीं ऐड करना है, ये नहीं कि रूल नहीं मैथ का लगाना है, ए फ्रैक्शन का रूल यहाँ पर लगता है, तो एट से और माइनस वन से करके माइनस एट इसको ऐड करना होता है तो माइनस नाइन हो जाएगा। यहाँ देखो तो एट एट कैंसिल, नाइन से इसको करेंगे तो माइनस वन टाइम्स में, यानी ये आ गया माइनस वन। अब बताओ माइनस वन कभी भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का वैल्यू होता है, नहीं ना, वन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर बट जब दोनों का प्रोडक्ट किए, बट प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट
बी पॉजिटिव, मतलब एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के लिए इसका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में भी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो वन तो हुआ नहीं, तो क्या लिखेंगे, देयरफोर 8/9 इज, 9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस वन इंटीजर 1/8, योर आंसर। ओके, समझ में आई बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, चेक करने के लिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को लिख लो, और जो क्वेश्चन का रिजल्ट आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, मान लो इसका उल्टा हो जाएगा, मान लो क्यू का 1/Q हो जाएगा, दोनों को जब मल्टीपल कर देंगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, तो समझो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो वही हमने चेक करके बता दिया, ठीक है, कुछ नहीं किए। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि 8/9 बोल रहा था कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 8/9 है, 8/9 कर दिया, और इनको साथ में इसको मल्टीपल कर दिया, चेक किया माइनस वन आएगा, तो नहीं होगा, 1 हो जाता आंसर। देखो 9 नंबर आपको दिया है जस्ट वैसा ही, इसको सॉल्व कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या बोले हमने कि जिसका कह रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इतना, यानी इतना का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.3 बोल रहा है, वाई और वाई नॉट, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या बोले थे, देयर फोर जिसका बोल रहा है ना कि 0.3 है, उसको पहले राइट कर लो। अब मल्टीपल किसके साथ करेंगे, जिसका बोल रहा है, 3 इंटीजर 1/3 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 0.3 इंटू 3 जा 9 1 10/3 हो गया। अगले स्टेप में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे ना, यानी पॉइंट उड़ाएंगे, तो हो जाएगा क्या, 1 जितना डिजिट उतना 0, यानी हो गया 3/10 इंटू 10/3, 3 3 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, क्या बच गया, 1, 1 आया, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफोर यस जो 0.3 है इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3। आपको एग्जाम में क्या करना है, ये बातें नहीं लिखना है, ये जो हम लिखे हैं ना ये बातें नहीं लिखना है, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करते हुए चल जाएंगे। नहीं तो आपको मन है लिखने का, लिख भी दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। ये आपको चेक करने का तरीका बता दे, कंसेप्ट बताए हैं। ओके, 9 हो गया। अब 10 देखो, 10 क्या है, 10 ध्यान से देखना, राइट फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। अच्छा, इसको सिर्फ आओ, बहुत ईजी है, इसको सिर्फ सॉल्व कर लिया जाए, इसको क्यों छोड़ा जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, इसको हम क्वेश्चन ही लिखा है, यहीं पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। बोला है कि द रेशनल नंबर डैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, बोल रहा है कि ऐसा एक रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल ना हो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो क्या वो नंबर कौन सा है, यदि एक करते हैं तो 1/1 हो जाएगा, 2 करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन 0 एक ऐसा है रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, आंसर 0। सेकेंड क्या है, द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रिसिप्रोकल, मतलब बोला है कि ऐसा एक रेशनल नंबर बताइए उसके बराबर ही, यानी उसके जैसा ही रिसिप्रोकल मिल जाए, क्या है वो, 1 एंड -1, योर आंसर क्या होगा, 1 एंड -1, मतलब कि 1 ऐसा एक रेशनल नंबर है जिसका रिसिप्रोकल करोगे तो वहीं सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये -1 नहीं होगा, सॉरी, सिर्फ 1 लिखो, 1 होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। 1 एंड -1 ही, -1 भी होगा क्योंकि दोनों होगा, सही लिखे थे, 1 एंड -1 दोनों का होगा। बोला है कि द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रिसिप्रोकल, ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिनका रिसिप्रोकल भी करने पर वही सेम आए, तो 1 का भी रिसिप्रोकल करोगे तो सेम ही वही आएगा, 1 ही आ जाएगा, और -1 का भी करोगे तो -1 ही आएगा, तो 2 है, 1 एंड -1, ठीक है, दोनों है। तीसरा, द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू नेगेटिव, अब ऐसा रेशनल बताना है जिसको हम नेगेटिव के बराबर हो, मतलब द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब जब हम उसको नेगेटिव में करें तो वो इक्वल ही हो, मान लो कि 1 करेंगे इसका नेगेटिव करेंगे तो -1, क्या इक्वल होगा, नहीं होगा,
लेकिन एक नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर भाई? जीरो। जीरो ना कभी पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो का नेगेटिव भी करोगे तो जीरो ही होगा, जीरो को पॉजिटिव करो तो जीरो ही होगा, तो ये क्या है? जीरो इस कंडीशन के लिए होगा। समझ में आई बात है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 11 का फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जीरो हैज, इसमें फिल करना है रिसिप्रोकल, जीरो हैज नो रिसिप्रोकल, जीरो का रिसिप्रोकल नहीं है ना, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो हैज नो रिसिप्रोकल, इसमें नो फिल कर देंगे। द नंबर्स डॉट डॉट एंड डॉट डॉट आर देयर ऑन रिसिप्रोकल, द नंबर्स 1 एंड -1 क्या होगा? सेकेंड में 1 एंड -1 होगा। 1 एंड -1 का क्या होता है? ऑन रिसिप्रोकल मतलब सेम ही वहीं मिल जाता है। थर्ड है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? बट्टे में चल जाएगा एंड डिवाइड में, ये हो जाएगा -1/5। फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x हो जाएगा, सिंपल तो है। फाइव देखो, फाइव है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, 2 रेशनल नंबर को जब प्रोडक्ट करोगे यानी मल्टीपल करोगे वो हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। सिक्स है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, कभी भी पॉजिटिव क्या बोला है, कभी भी आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? वो पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जिनको क्लास 8 की मैथ्स फुल कोर्स पढ़ना है, फुल चैप्टर यानी 1 से लेकर जितना है 14 से 15 चैप्टर, सभी चैप्टर पढ़ना है, वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप में देखो आपको क्लास 8 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन 1 से लेकर सभी चैप्टर का मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन, साथ में सभी चैप्टर का नोट्स, सभी चैप्टर का नोट्स भी मिलेगा, और 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी दी जाती है। आप मैथ वीक भी होगा तो आपको 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी दी जाती है, मेहनत किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है? तो 8 की पूरा मैथ पढ़ने के लिए नोट्स के साथ में, वीडियो के साथ में, यदि सभी चैप्टर का आपको पढ़ना है, अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है, उसका फ़ी है ₹499। उसके लिए आपको इस नंबर पे 8383896119 पर कॉल या मैसेज करना होगा, कॉल करके बात कर लीजिएगा। आप नहीं करिएगा, अपने घर में बड़े भैया होंगे, बहन होंगी, या आपके पापा मम्मी होंगे, उन लोग से बात करा करके कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी देती है, आपको कोई भी मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो ज्वाइन करना होगा तो आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करिएगा। और हाँ, जो ₹499 है ये 1 मंथ की नहीं है, 1 मंथ की फ़ी नहीं है, जब तक आप 9th में नहीं चले जाएंगे तब तक के लिए फ़ी है, उसी फ़ी में पूरा 8 क्लास आपको पढ़ाया जाएगा, ₹499 में ही। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ 1 मंथ का है, नहीं, ज्वाइन करना होगा, इस नंबर पर कॉल या मैसेज ज़रूर करें। आप नहीं करिए, अपने घर में बड़े जो लोग हैं, आपके पास तो पैसा होता नहीं है, तो मम्मी पापा से जरूर बोलिएगा, ठीक है? 100% मैथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग को नोट्स भी देते हैं, और ये सोचो कि 499 में आपको पूरा फुल कोर्स दे रहे हैं। अब बताओ, इतना मेहनत करने के बाद ये रख रहे हैं, और पूरे साल का, मतलब जब तक आपका 8 से 9 में नहीं चल जाएंगे तब तक के लिए फी है, 1 मंथ का नहीं है, पूरा मतलब 8 के लिए है, जब तक हम 9th में जाएंगे तब तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।